क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी डिमांड पर बार बार मेरे को जब भी कॉल करते हैं आप लोग वैसे बोलते हैं कि अफोर्डेबल फ्लैट लाइए, अफोर्डेबल फ्लैट लाइए। आज मैं आपके लिए जो है 3 BHK 75 गज के अंदर में अफोर्डेबल फ्लैट लेके आ गया हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल, स्वागत करता हूँ आपका द्वारका प्रॉपर्टी हब चैनल में। आज मैं आपको जो है 3 BHK दिखा रहा हूँ 75 गज के अंदर में। इस प्रॉपर्टी को सैंपल फ्लैट हमने तैयार कर दिया है, फर्निश्ड हमने तैयार किया हुआ है, दोनों कंडीशन में आपको मिल जाएगा, सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड में भी। फ्लैट का सबसे पहले हम देखते हैं एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन, उसके बाद पार्किंग देखते हैं, उसके बाद अपने जो सैंपल फ्लैट तैयार किया है वो दिखाता हूँ आपको। खूबसूरत एलिवेशन के बाद में, पार्किंग के बाद में अब आप मैं आ गया हूँ अपनी बिल्डिंग की लॉबी में। ये आपका एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट है, ये हमारा कवर किया हुआ है, ये आपका लिफ्ट का एरिया आ जाता है। और आप मेरे जैसे सामने आप देख पाएंगे वहाँ पे 3 BHK एंड 2 BHK है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2 BHK का साइज है, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3 BHK जो 75 गज में हमने तैयार किया है। आइए इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले आपको दिखाई देगा बहुत ही ह्यूज खूबसूरत सामने जो लिविंग एरिया आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसके अंदर मैंने बोला बहुत खूबसूरत आपका रोज जो ग्लास है उसके अंदर में आपका ये अपना LED का जो है प्रोफाइली लाइटिंग सारा का सारा काम करके रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। AC आप देख पाएंगे, IP की हम लोग लगा के इसमें रखी हुई है ऑलरेडी। सोफे की सिटिंग की कैपेसिटी की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो लगभग 7 पर्सन की सिटिंग के लिए हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। फॉल सीलिंग में आपकी नज़र डालना चाहूँगा, फॉल सीलिंग हमने बहुत खूबसूरत तैयार किया हुआ है। इसके अंदर आप देख पाएंगे 2 फैन और एक खूबसूरत सा झूमर हम लोगों ने लगाया है जो कि बहुत एनहेंस कर रहा है इसकी लुक को। सेंटर टेबल आपने देख लिया, सोफा सेट आपने देख लिया, अब यहाँ पे आप बैठ के एंटरटेनमेंट और अपना जो है टाइम पास कैसे करेंगे, आपके लिए बहुत खूबसूरत मैंने टीवी पैनल तैयार किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे इसमें आप कितने भी ह्यूज साइज का टीवी जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके सॉकेट्स यहाँ पे आ जाते हैं, ये तो आपका थोड़ा सा स्टोरेज एरिया आ जाता है। सेट टॉप बॉक्स आप यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ चाहे आप प्लेस कर सकते हैं। ये अगेन हम लोगों ने यहाँ पे जो है आप कोई भी शोकेस का आइटम यहाँ पे रख सकते हैं, और LED लाइट्स लगी हुई हैं जो कि आपके आइटम को और खूबसूरत और एनहेंस कर देती है। इसी के साथ में मैं लिविंग एरिया के पार्ट में आता है, ये आपका एक पार्टीशन हम लोगों ने तैयार करके दिया हुआ है, ओपन किचन के किचन का है। इसके अंदर में आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत हम लोगों ने यहाँ पे आपको शेप तैयार करके दिया हुआ है, जिसमें आपका डेकोरेटिंग का आइटम हम लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आप इसी अकॉर्डिंग चाहे तो अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं और अपने लिविंग एरिया की जो खूबसूरती है उसको और खूबसूरत बना सकते हैं। आइए इसके बाद में जो आपको मैं एडजॉइनिंग जो आपका किचन है, किचन ही दिखा देता हूँ मैं आपको। किचन में मैं एंटर कर गया हूँ, किचन में एंटर करते ही आप देख पाएंगे हम लोगों ने यहाँ पे जो है आपका चिमनी लगा के दिया हुआ है। चिमनी के यहाँ पे आपका जो गैस स्टोव आ जाएगा, चूल्हा जो कहते हैं जिसको, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप ये देख पा रहे होंगे वाइट मार्बल का यहाँ पे जो है बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा साइज और खूबसूरत लग रहा है। इसके अलावा जो आप हम लोगों ने अब कैबिनेट्स तैयार किए हैं वो सारे के सारे हमने रोज ग्लास के जो है उस पैनल में तैयार किए हुए हैं, ये भी आपको बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा होगा। और ये जो है इसके अंदर अपना फेस भी देख सकते हैं, सामान तो यहाँ पे रख ही सकते हैं, आपके लिए वही एरिया आ जाता है। स्टेनलेस स्टील की फिटिंग की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है स्टेनलेस स्टील की फिटिंग का, आपको यहाँ पे कटोरी चम्मच हो गया वो सारा का सारा आप यहाँ पे रख सकते हैं। बड़ी बड़ी प्लेट कहाँ रखेंगे, बड़ी बड़ी प्लेट रखने के लिए आपका ये वाला स्पेस आ जाता है एक तो, और इसी के जस्ट नीचे आप चाहें तो यहाँ पे भी अपनी प्लेट्स को रख सकते हैं। फ्रिज ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं कहाँ इंस्टॉल करेंगे आप, ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रिज। और सिंक के एरिया की बात कर लेता हूँ, ये सिंक है, ये आपका जो है साउंड प्रूफ सिंक है, इसके अंदर टन की आवाज़ नहीं आती है। और इसके अंदर आपको जगवार की सारी फिटिंग्स आपको सैनिटरी आइटम्स की मिल जा रही है, जो कि एक बार आपने लगाया और भूल जाइए, अब दोबारा लगाने की जरूरत है नहीं। वेंटिलेशन के लिए विंडो भी आपको दिखाई दे रही है, और ऑलरेडी मैंने आपको जो है चिमनी दिखा दी है, तो वेंटिलेशन की कोई समस्या नहीं है। आइए इसके बाद में कॉमन वॉशरूम की बात कर लेते हैं, गेस्ट आते हैं कॉमन वॉशरूम कौन सा यूज़ करेंगे, तो वो जस्ट एडजॉइनिंग यहाँ पे आपका कॉमन वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे आप एंटर करेंगे आपका जो है ग्रीजर कनेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, फुल्ली फर्निश्ड में चाहेंगे तो हम लोग ग्रीजर इंस्टॉल करके दे देंगे। यह आपकी आगे वेस्टर्न सीट, और इसके बाद में अगेन हमारा बाथिंग एरिया आ जाता है, जो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा जगवार की फिटिंग है हमारी, सारी सारी जगवार की फिटिंग लगाई हुई है। शावर एरिया यहाँ पे आ गया, बेसिन आपका यहाँ पे आ जाता है, उसके सामने आपका मिरर आ जाता है। आइए दोस्तों 3 BHK मैंने तैयार किया है, सबसे पहले मैं आपको जो है लेआउट समझा देता हूँ इस घर का। जैसे ही आप एंटर करते हैं हॉल में एंटर कर जाते हैं, हॉल में एंटर करने के बाद में जो है आपका फर्स्ट बेडरूम जो है वो दरवाजे के अपोजिट साइड में आ जाता है, जो जिसको कि आप अपने गेस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए तो आप कर ही सकते हैं। इसमें जैसे ही आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद देख पाएंगे पूरा का पूरा बेड जो है मैंने 6x6.5 का लगाया है, मतलब 6x6.5 का बेड लगाया हुआ है। साथ में ही एडजॉइनिंग में मैंने अलमीरा बना के आपको दे दी है, अलमीरा की डेप्थ भी आप देख पाएंगे काफ़ी डेप्थ है। और मैंने एक ये जो मॉडर्न डिज़ाइन चल रहा है आज की डेट में साइड टेबल वाला,
अलमीरा को बनाते समय हम लोग जो है साइड टेबल में यहाँ पे लगा के आपको दे देते हैं, मोबाइल वोबाइल आप यहीं से चार्ज कर सकते हैं, सारा का सारा सॉकेट आपको मिल जाता है। पीछे आप इसके देख पा रहे होंगे बेड की बहुत अच्छी कुशनिंग का इस्तेमाल किया हुआ है, पूरा पूरा अपर वॉल तक का इस्तेमाल हम लोगों ने किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब अपने ऊपर देखा ही है तो ऊपर हम जो है अपना फॉल सीलिंग का डिज़ाइन देख लेते हैं। फॉल सीलिंग बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसको आप आएंगे देखेंगे, इसको आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस चीज़ के बारे में बेड के बैंक अपोजिट में मैंने जो है टीवी पैनल आपका ये बेड के अंदर बेडरूम में लगा के दिया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत बेड आपका जो है एलईडी पैनल आ जाता है। स्टोरेज एरिया भी यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ शो केस के आइटम आप यहाँ पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और वॉल कोई भी नेकेट नहीं छोड़ी है मैंने, पूरा का पूरा आपको देखो वॉलपेपर मैंने लगा के दिया हुआ है, कहीं पे भी आपको चूना वूना वैसी कोई चीज़ दिखने वाली है नहीं। एसी कहाँ इंस्टॉल करेंगे इस बेडरूम में, बेड के इस तरफ में ये मैंने आपको एसी का सॉकेट यहाँ पे आपको लगा के दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना जो है एसी इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए फर्स्ट बेडरूम के बाद में जो आपको सेकंड बेडरूम में लेके चलता हूँ। सेकंड बेडरूम में हॉल में आएंगे आप, हॉल में एंटर करने के बाद में जो है सेकंड बेडरूम आपका इसके साथ में आपके हॉल के जस्ट एडजॉइनिंग में आ जाता है। यहाँ मैं एंटर कर गया हूँ सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम में सबसे खूबसूरत चीज़ जो है इस कमरे को बहुत बड़ा बना देती है वो है यहाँ का कुशनिंग वर्क। वाइट कलर में हम लोगों ने इसको तैयार किया है, साथ में हमने रोज ग्लास का जो पैनल लगाया हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एनहांस कर रहा है, ये आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसके बाद में मैं नज़र चाहूँगा आप एक बार ऊपर फॉल सीलिंग की तरफ देखें। फॉल सीलिंग में आपको फैन के साथ में एलईडी प्रोफाइलिंग लाइटिंग भी दिखाई दे रही होगी, और हम लोगों ने प्लस का एक अलग ही एक कॉन्सेप्ट पे फॉल सीलिंग अच्छी तैयार की हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। अलमीरा दिखा देता हूँ मैं आपको, अलमीरा आपकी आ जाती है, इसके अंदर अपना जो है अपना सामान वामान जो है वो सब कुछ रख सकते हैं। बेड की अगेन बात करूंगा, 6x6.5 का ही हमारा बेड है, और इसके बैंक अपोजिट में जो हम लोगों ने गोल्डन कलर में वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि अगेन बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसी रूम के साथ में आपका स्टडी टेबल आ जाता है, ये एरिया आपका स्टडी टेबल का आ गया। सामने विंडो है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी रहती है यहाँ पे। इसमें आप जो है हमने कैबिनेट भी बना के दिया हुआ है, तो इसमें अपना सामान वामान जो है वो रख सकते हैं। डोर खोलने के बाद में बालकनी कौन सी रहेगी, ये बालकनी हमारी यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे आपकी बालकनी आ जाती है। बालकनी के अंदर में हम लोगों ने जो टाइलिंग जो है वो ग्राउंड से लेकर पूरी की पूरी आपके अपर वॉल तक लगाई हुई है, और वॉशिंग मशीन के लिए हम लोगों ने अगेन आपका जैगवार की यहाँ पे फिटिंग लगा के रखी हुई है। यहाँ पे अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे सॉकेट लग जाएगा, और ड्रेन पाइप आप जो है यहाँ पे लगा के अपना वाटर यहाँ से ड्रेन कर सकते हैं। ये अगेन आपको बताने वाली चीज़ है, स्टेनलेस स्टील का 304 हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे स्टेनलेस स्टील है, और इसके अंदर ऑलरेडी हमने कपड़े सुखाने के लिए जो है ये इसको वेल्ड करके यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको एडिशनल कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप आइए अपना रस्सी वस्सी यहाँ पे बांधिए, कपड़े यहाँ पे सुखा सकते हैं। आइए इसके बाद में जो आपको थर्ड बेडरूम में लेके चलता हूँ 3BHK के, अगेन जो है इसके अंदर में, हाँ मैं आपको एक चीज़ रहेगी बतानी, मैं आपको साइड टेबल दिखाना रह गया था। साइड टेबल भी आप देख सकते हैं, हम लोगों ने इस बेड के भी साथ में आपको तैयार करके रखा हुआ है साइड टेबल, ताकि आपका मोबाइल वोबाइल जो है वो चार्ज करने के लिए रात को स्पेस आपको मिलता रहे। थर्ड बेडरूम में मैं एंटर कर गया हूँ। थर्ड बेडरूम में एंटर करते ही सबसे पहले आप जो है इसको देखेंगे, इसका बेड का साइज़ जो हम लोगों ने तैयार किया हुआ है अगेन 6x6.5 का तैयार किया हुआ है। अलमीरा के साथ में हम लोगों ने यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल भी बनाया हुआ है, इस साइड में मैं हूँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपका ड्रेसिंग टेबल बन जाता है। यहाँ पे अपना जो है तैयार वैयार होने के लिए, पार्टी वार्टी में जाने के लिए यहाँ पे आपका ऑलरेडी हम लोगों ने इस चीज़ को इंस्टॉल किया हुआ है। बेड के बैक में आपको जो कुशनिंग वर्क दिखाई दे रहा होगा अगेन ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। इसके अंदर में हम लोगों ने डबल कलर का इस्तेमाल किया, लास्ट वाले बेडरूम में मैंने व्हाइट का इस्तेमाल किया था, बट इसमें मैंने पर्पल कलर का भी इस्तेमाल किया हुआ है और रोज़ ग्लास के साथ में। आइए इसके बाद में जो आपको अलमीरा एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद में टीवी पैनल कहाँ है इस रूम में, हर रूम में हमने टीवी पैनल दिया हुआ है, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ। अलमीरा यहाँ पे आपकी अलमीरा आ जाती है, इसके अंदर अपना जो है सामान आप रख सकते हैं, और उसी के नीचे हम लोगों ने अगेन साइड टेबल आपको बना के यहाँ पे दिया हुआ है, और एक साइड टेबल आपकी ड्रेसिंग टेबल वाली होगी तो आप उसको भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बेड के अपोजिट साइड में यह हमारा टीवी पैनल आ जाता है, बहुत बड़ा साइज़ का टीवी है अगर आपका, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने पार्टीशन बनाते समय इस चीज़ का ध्यान दिया हुआ है कि कोई भी साइज़ हो लग जाएगा आपका, यहाँ पे आप जो भी है सेटअप बॉक्स हो गया, आपका फैंसी आइटम हो गया, यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे आपका सॉकेट आ जाता है। इसके बाद में आइए मैं आपको जो अटैच लेट बाथ है इसका दिखाता हूँ। ये मास्टर बेडरूम है बेसिकली हमारा। मैं अभी जो है एंटर कर गया हूँ अपने वॉशरूम में। वॉशरूम में आपका यहाँ पे आपका ये आ जाता है ग्रीजर पॉइंट आ जाता है, उसके नीचे आपकी सीट आ गई, जैगवार की फिटिंग अगेन आ गई, आपकी बाथिंग एरिया आ गया, आपका ये बेसिन आ गया, और ये मिरर हम लोग आपके यहाँ पे दिया हुआ है। नीचे की एंटी स्किप टाइल है, और उसके ऊपर जो हमने टाइल लगाई हुई है वो सारी की सारी जो आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में है। इसके अलावा मैं आपकी वेंटिलेशन की बात कर लेता हूँ। विंडो ये आपको दिख जाएगी, हुई है आपकी जो बालकनी में ही एंटर हो जाती है, ये सारी की सारी विंडो एसी का प्रोविजन हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है। ऊपर आपको दिख रहा होगा पॉइंट, और इसको ऑन ऑफ कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से बेड के पास में से ही आपके MCV आ जाता है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ्लैट को मेरा दिखाने के बाद में मैं चाहूँगा कि पहले तो सबसे पहले ना क्या हो रहा है कि बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ मैं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसे फ्लैट की वीडियो अगर आपको देखनी है बजट में आपके लिए लेके आया हूँ,
कि बार बार मेरे पास जब भी फोन आता है क्लाइंट का, तो ये कहते हैं कि लो बजट में भी कुछ फ्लैट लेके आइए ताकि हम लोग आराम से उसको परचेस कर पाएं। तो ये फ्लैट मैं उसी सेंस में लेके आया हुआ हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी करिएगा, और कोई भी क्वेरी आपकी, कोई भी सवाल है आपके, तो कमेंट में पूछिएगा, मुझसे मैं बता दूंगा। अब बताता हूँ ये फ्लैट आप कैसे परचेस कर सकते हैं। इस फ्लैट पे आपको जो लोन होगा वो लगभग 80-90% का लोन हो जाएगा, और इस फ्लैट के लिए आप हम डाउन पेमेंट ऑब्वियसली एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 3 BHK और 2 BHK मैंने तैयार किया हुआ है। 75 गज में आपका 3 BHK तैयार किया है और 50 गज के अंदर में आपका 2 BHK तैयार किया हुआ है। सेमी फर्निश और फुल्ली फर्निश दोनों कंडीशन में आपको दूंगा। 3 BHK की रेटिंग के बाद में बात कर लेता हूँ। 3 BHK जो 75 गज का है हमारा, उसकी स्टार्टिंग रेट जो है 39 लाख रुपये से शुरू है। तो इस फ्लैट को जो है आप अपना बना सकते हैं 39 लाख रुपीज़ में। लोन मैंने अगेन आपको बता दिया, जो 90% के आसपास का आपका लोन हो जाएगा। लोन पे चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको लोन पे मिल जाएगी। इस प्रॉपर्टी को जाने से पहले मैं चाहूँगा जल्द जल्दी अपना बनाएं, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी करें और शेयर करें जिसको इस फ्लैट की ज़रूरत है, जो फ्लैट खरीदना चाहता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दें इजाज़त। थैंक यू।